Assalamualaikum, welcome to Hatim Tech News. मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करूंगा Oppo Reno 4 Pro की। इससे पहले Oppo Reno 4 की अनबॉक्सिंग में कर चुका हूं। Oppo Reno 4 जो सीरीज़ है अभी लॉन्च हुई थी और ये प्रो है, ये हायर वेरिएंट है, ये 8GB रैम विथ 256GB रोम का वेरिएंट है। इसकी प्राइस रखी गई है 85,000 रुपीज़, 85,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। देखते हैं बॉक्स से निकाल के एसेसरीज क्या मिल रही हैं और स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या जस्टिफाई कर रही है प्राइस। अभी तक देखने में थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है डिवाइस, काफी लोग बोल रहे थे जब प्राइस अनाउंस हुई थी कि ओवर प्राइस आई है डिवाइस, तो देखते हैं क्या वाकई ओवर प्राइस है या जस्टिफाई कर रही है 85,000 रुपये में। मेरे पास कलर है स्टेरी नाइट, दो कलर आए हैं इसमें, एक व्हाइट कलर भी आया है, बाद में आपको व्हाइट कलर भी अनबॉक्स करके दिखाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। Reno 4 Pro का बॉक्स है, 8GB रैम में 256GB रोम मेंशन है और यहाँ पे कोई खास स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है। स्टेरी नाइट कलर है मेरे पास। रैपिंग उतारते हैं और देखते हैं उसके बाद बॉक्स में हमें क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। Reno 3 सीरीज का बॉक्स की तरह है, यहाँ पे भी Reno 4 के अंदर भी बॉक्स में चेंजेस नहीं की गई हैं। कोई डिवाइस में क्या अपडेट है देखते हैं। ये हमेशा की तरह सबसे ऊपर एक पाउच रखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल है, पेपर वर्क है, क्विक स्टार्ट गाइड और एक सिलिकॉन केस है। बॉक्स खाली हो गया है, उसके बाद है हमारी डिवाइस, इसमें इधर रख देते हैं चीज़ों को। फिर यहाँ पे हमारी डिवाइस है Oppo Reno 4 Pro। यहाँ पे इन्होंने 4-5 चीज़ें हाईलाइट की हैं। इसके कवर पे 90Hz बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन, यहाँ पे नया नाम इन्होंने मेंशन किया है, बॉर्डरलेस सेंस स्क्रीन। 65W सुपर वूक 2.0 मिल रहा है, AI कलर पोर्ट्रेट मिल रहा है, 960fps स्मार्ट स्लो मोशन और Qualcomm Snapdragon 720G की चिपसेट है। ये चीज़ें हाईलाइट की हैं यहाँ पे। इसको निकालते हैं रैपिंग से बाहर। ये आ गए हमारे पास डिवाइस। स्टेरी नाइट कलर भी खूबसूरत है, डिवाइस देखने में खूबसूरत लग रही है। डिवाइस ऑन करते हैं और ये बॉर्डरलेस कहते हैं, ज़बरदस्त लग रहा है। एजेस हैं यहाँ पे, प्यारी लग रही है डिवाइस, स्क्रीन काफ़ी खूबसूरत है। डिवाइस ऑन हो रही है, मज़ीद देख लेते हैं क्या कंटेंट हमें मिल रहा है बॉक्स में। यहाँ पे एक बड़ा सा सुपर वूक चार्जर रखा हुआ है, ये है सुपर वूक चार्जर। और इसकी हम पावर देखें तो ये हमें मिलता है 10W 6.5A, यानी 65W का चार्जर हमें बॉक्स में मिल रहा है। डिवाइस सपोर्ट करती है 65W और हमें बॉक्स में भी मिल रहा है 65W चार्जर। तो इसको चार्ज करके भी देखेंगे 65W के चार्जर से कितनी देर में चार्ज होती है डिवाइस। और यहाँ पे चार्जिंग केबिल मिल रही है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी वाली केबिल है। यहाँ पे वूक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, ओप्पो की जो वूक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा हैंड फ्री भी है, हैंड फ्री भी मिल रही है और वाइट कलर की तमाम एक्सेसरीज़ हैं। ये ओप्पो की हैंड फ्रीज़ हैं जो हमारे पास अक्सर डिवाइसेस में, फ्लैगशिप डिवाइस में मिल रही होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। तो ये वो एक्सेसरीज़ हैं जो Reno 4 Pro के बॉक्स में मिल रही हैं। अब हम डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। यहाँ पर डिवाइस हमारी रेडी हो गई है, ओप्पो Reno 4 Pro। डिवाइस का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है। सबसे पहले फर्स्ट लुक देते हैं। राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ की मिल रही है, अप साइड पर सिम ट्रे मिल रही है। सिम ट्रे यहाँ पर निकाल के देखते हैं स्लॉट हमें कौन सी मिलेगी। यहाँ पे आई थिंक 3 कार्ड स्लॉट ही होगी, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड स्लॉट लगाई गई है मेमोरी कार्ड के लिए। तो 3 कार्ड स्लॉट हमें मिल रही है अप साइड पर। उसको हम वापस लगाते हैं, लेफ्ट साइड देख लेते हैं डिवाइस की। लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं और इसी तरह डाउन साइड पर देखते हैं तो डाउन साइड पर स्पीकर मिल रहा है, चार्जिंग जैक मिल रहा है टाइप सी कनेक्टिविटी वाला, ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का। बैक साइड पे देखते हैं, बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश और स्टेरी नाइट कलर है,
खूबसूरत लग रही है डिवाइस। डुअल शेड है, नीचे के साइड ब्लैक कलर है और ऊपर से लाइट ब्लू कलर सा आ रहा है शेड। डिवाइस खूबसूरत लग रही है देखने में। फ्रंट साइड देखते हैं तो फ्रंट साइड पे एक स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है, लेफ्ट साइड पे लगाया गया है और एजेस हैं, कर्व डिस्प्ले है, खूबसूरत लग रही है डिवाइस। और इसके अलावा यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस यानी 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे डिस्प्ले टाइप सुपर अमोलेड मिलने वाला है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। कलर्स काफ़ी अच्छे होंगे। ब्राइटनेस में देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ब्राइटनेस फुल नहीं है तो ब्राइटनेस फुल करके देखते हैं, आउट हटाते हैं और यहाँ पे हमने ब्राइटनेस फुल कर दी है। डिस्प्ले बहुत खूबसूरत हो गया है फुल ब्राइटनेस पे। यहाँ पे 402 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिल रही है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी ज़बरदस्त है, 92% मिल रहा है। बेजल्स ना होने के बराबर है, बॉर्डरलेस डिस्प्ले है, चिन बिल्कुल ना होने के बराबर है और नॉच एरिया भी बिल्कुल खत्म है, ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, इसको असल में फुल व्यू कहते हैं, बॉर्डरलेस डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाला है। प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 को यूज़ किया गया है, यानी 5th जनरेशन की हमें प्रोटेक्शन मिलने वाली है, जबकि बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, यानी बैक साइड पे प्लास्टिक यूज़ किया गया है, फ्रेम प्लास्टिक का है। और दो कलर्स में जैसे मैंने आपको बताया, एक है इसका स्टेरी नाइट और एक है सिल्की वाइट कलर। सिल्की वाइट कलर भी दिखाएंगे उसको अनबॉक्स करके, आज हमने स्टेरी नाइट कलर को अनबॉक्स किया है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे 32 MP का सेल्फी कैमरा लगाया गया है होल पंच के अंदर विद अपर्चर f2.4। और बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें 48 MP का मेन कैमरा है विद अपर्चर f1.7, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है विद अपर्चर f2.2, 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.4 और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल रहा है विद अपर्चर f2.4। यानी कि बाकी के तीन कैमराज जो है वो कंपल्सरी कैमराज हैं, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो और डेप्थ सेंसर। मेन कैमरा 48 MP का शामिल किया गया है। कैमरा रिजल्ट के लिए इसके रिव्यू में चेक करेंगे कैमरा रिजल्ट कैसा होगा। अभी यहाँ पे मजीद स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पे जो चिपसेट लगाई गई है वो स्नैपड्रैगन 720G की चिपसेट है, गेमिंग चिपसेट है। यहाँ पे गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलने वाली है। 2.3 GHz का ऑक्टा कोर CPU हमें मिल रहा है, 8 GB रैम है और स्टोरेज यहाँ पे मिलेगी 256 GB की, जिसमें से 238 अवेलेबल है वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए। GPU मिलेगा एंड्रीनो 618 का और यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट है तो मेमोरी कार्ड की स्लॉट आपको एक एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी 256 GB के स्टोरेज के अलावा मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स डिवाइस आती है एंड्रॉयड 10 पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और यहाँ पे हमें कलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन मिल रहा है 7.2, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है कलर भी और ओप्पो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कलर लेटेस्ट मिल रहा है और ओप्पो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी यहाँ पे लेटेस्ट मिल रहा है। बैटरी सबसे ज़्यादा इसकी जो हाईलाइटेड फीचर है वो है इसकी 65 W फास्ट चार्जिंग, 4000 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसमें टाइप सी कनेक्टिविटी हमें मिलने वाली है। इसके हम फास्ट चार्जिंग का टेस्ट भी करेंगे कि 4000 mAh की बैटरी 65 W से चार्ज होने में कितना टाइम लेती है, जो ओप्पो क्लेम करता है वो कहां तक सही है, इसका बैटरी चार्ज टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो यहां पे फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है और यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले दिया गया है, यानी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। अभी स्पेसिफिकेशन सारी यहाँ पे फीचर्स जो देख के लग रहा है वो फ्लैगशिप वाली डिवाइस लग रही है और यहाँ पे हम इसका रिव्यू करेंगे, उसमें इसका फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी टेस्ट करेंगे, कैमरास का रिजल्ट भी चेक करेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे, गेमिंग कैसी होगी, एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड, कंपैरिजन भी बहुत सारे इसके करने हैं। तो अभी तक मुझे डिवाइस पसंद आई है, डिवाइस खूबसूरत लग रही है, आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।